और दोस्तों Amazon ने अपनी सेल निकाली, इसका नाम है Amazon फ्रीडम सेल। काफी ज्यादा अच्छी सेल है, मैं आपको बता दूं, Amazon का कहना है कि ये अब तक की सबसे बिगेस्ट एवर सेल है। जी हां फ्रेंड्स, अभी तक इतना डिस्काउंट किसी भी सेल में नहीं मिला है। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि इतना डिस्काउंट मिल कैसे रहा है। बिलीव मी गाइस, मैं काफी देर से आपके लिए फोन सर्च कर रहा था कि सबसे ज्यादा अच्छा फोन आपके लिए कौन सा है जिसमें आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं समझ नहीं आ रहा था मैं आपके लिए कौन से पिक करूं, क्योंकि सारे फोन पर काफी ज्यादा अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, आपके लिए जो हाल ही में फोन लॉन्च किए गए थे और जो सबसे अच्छे स्मार्टफोन है वो पिक किए हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके लिए कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सा स्मार्टफोन है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो Amazon ने SBI के क्रेडिट कार्ड से साझा किया है और यहाँ पे आपको SBI के क्रेडिट कार्ड पर 10% का कैशबैक देखने को मिल रहा है। और ये कैशबैक सारे ही फोन्स पर अवेलेबल है, आप कोई भी फोन परचेज करेंगे हर फोन पर आपको ये कैशबैक देखने को मिलेगा, SBI का क्रेडिट कार्ड है तो। अब चलते हैं अपने लिस्ट की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा फोन जो कि काफी ज्यादा अच्छा फोन था और स्टार्टिंग में आया था, उसने काफी ज्यादा मार्केट को हिलाया था, क्योंकि वो सेल्फी कैमरे के साथ आया था और वो था पॉपअप सेल्फी कैमरा। जी फ्रेंड्स, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वीवो के V15 Pro के बारे में। स्टार्टिंग इसकी प्राइस थी वो 32,000 रुपए थी और ये पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आया था, जो कि 32 मेगापिक्सल के साथ आया था, पहला ऐसा फोन था। अब इसकी प्राइस घट करके मात्र 23,000 रुपए रह गई है। जी हां फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 23,000 रुपए में वीवो का V15 Pro जो कि 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ आता है, आप इस फोन को जरूर से परचेस कर सकते हैं अगर आप कोई फ्लेक्सिबल लेवल का फोन परचेस करना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर देना, याद रखना और पे क्लिक करना है ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जो अगला फोन है वो आता है ओप्पो K3। हाल ही में लॉन्च किया गया है, आपको बता दूं इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 24,999 रुपए थी, लेकिन अब ये मात्र आपको 16,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा अच्छा डिस्काउंट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। तो अगर आप चाहें तो ओप्पो का K3 आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ऑनर के फोन है उनपे भी काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ऑनर का V20 आया था, आपको बताया है, उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था बैक वाला। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें 3 कैमरे दिए गए थे, जो उसका मेन कैमरा था वो 48 मेगापिक्सल का था। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 42,000 रुपए थी। जी हां फ्रेंड्स, और अब ये मात्र आपको 24,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। सोच लीजिए कितना ज्यादा अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑनर के V20 में। तो अगर आप चाहें तो ऑनर का V20 परचेज कर सकते हैं, इस प्राइस में आपके लिए अच्छा फोन है ये। और दोस्तों, अगर आप वन प्लस के फैन हैं तो मैं आपको बता दूं कि वन प्लस का 7 प्रो जो फोन था उसकी प्राइस थी 48,999 रुपए। इसमें आपको ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है, ऑफर है वो सिर्फ इतना है, अगर आप कोई पुराना फोन बेचते हैं और नया फोन इसको खरीदते हैं, मतलब आप एक्सचेंज करते हैं, तो आपको 3,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 महीने की आपको नो कॉस्ट EMI मिलती है, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप EMI पर इसको परचेज कर सकते हैं, आपके कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि इस फोन में आपको 48 प्लस 16 प्लस 8 मेगापिक्सल के बैक में 3 कैमरे देखने को मिले थे। और आपको पता है वन प्लस के फोन सारे ही अच्छे होते हैं, तो अगर आपकी पॉकेट थोड़ा सा ज्यादा बोलती है तो आप वन प्लस का 7 प्रो परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको नोकिया के फोन पे भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, नोकिया का 8.1 प्लस, नोकिया का 6.1 प्लस। नोकिया का 8.1 प्लस जो स्टार्टिंग में आया था वो 28,000 रुपए का आया था और इस प्राइस में मात्र आपको ये 16,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, याद दिलाते हैं आपको, 12 प्लस 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे के साथ आता है। और दूसरा फोन नोकिया का 6.1 प्लस, इसमें आपको जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी वो 18,000 रुपए थी और अब मात्र आपको ये 11,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 16 प्लस
5 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा दिया गया है। तो अगर आप नोकिया का कोई फोन परचेस करना चाहते हैं तो नोकिया का 8.1 प्लस या 6.1 प्लस दोनों में से कोई भी फोन आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फ्लिपकार्ट की भी सेल चल रही है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट नेशनल शॉपिंग डेज। हमने उस पर भी वीडियो बनाई है ना, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जाकर के एक बार उस वीडियो को भी देखे और देखे उसमें कौन से फोन मैंने रखे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं और अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो एक बार जाकर के उस वीडियो को भी देख लें। और दोस्तों वैसे तो ये हालांकि पुराना फोन है लेकिन अभी भी काफी अच्छा है क्योंकि ये प्राइस में कम हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी यू वन के बारे में। इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जियोफिट्स। इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी वो 13,000 रुपए थी और मात्र आपको अभी 9,000 रुपए का मिल रहा है। SBI का क्रेडिट कार्ड है तो 10% का कैशबैक और मिल रहा है, मतलब 8,000 रुपए में 25 मेगापिक्सल की सेल्फी वाला ये फोन मैं आपको जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा। और दोस्तों एक और फ्लैगशिप लेवल का फोन था ओप्पो R17 Pro, इसकी जो प्राइस थी वो 49,999 रुपए थी और मात्र आपको ये 29,999 रुपए में देखने को मिल रहा है। चिया फ्रेंड्स इतना अच्छा था, अच्छा ऑफर, बिलीव मी गाइस मैंने नहीं सोचा था, इसीलिए मैं आपको ये फोन बता रहा हूँ। इसमें आपको बता दूं बैक में 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 12 प्लस 20 मेगापिक्सल का अपने से 3D कैमरा दिया गया है, 25 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा अच्छा फोन है, फ्लेक्सिबल लेवल का फोन था और मात्र आपको ये 29,000 रुपए में देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा अच्छा है। क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो 10% का कैशबैक और मिल जाएगा, मतलब आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा, मतलब 26,000 रुपए में पड़ जाएगा आपको फोन। 26,000 रुपए में बिलीव मी गाइस काफी ज्यादा अच्छा फोन है। मैं आपको जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप 26,000 रुपए का कोई फोन देख रहे हैं तो इस टाइम पर ये आपके लिए अच्छा फोन है ओप्पो R17 Pro। और दोस्तों मेरी लिस्ट में जो आखिरी फोन आता है, क्योंकि लिस्ट वैसे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर लेना कौन से फोन पर कितना ज्यादा अच्छा डिस्काउंट और मिल रहा है। वैसे मैंने आपको बेस्ट फोन बता दिए है और आखिरी फोन जो मेरी लिस्ट में आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो है Huawei का Y9 Prime 2019 हाल ही में लॉन्च किया गया था। इस पर आपको ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है, ऑफर जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको 6 मंथ की नो कॉस्ट EMI पर मिल जाएगा देखने को। इसकी जो प्राइस है वो 14,999 रुपए प्राइस है और मैं आपको ये बता दूं कि Huawei का पहला ऐसा फोन था जो कि 16 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आया है। काफी डिसेंट फोन है, मैं आपको जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा। और दोस्तों मैंने जितने भी आपको फोन बताए हैं सारे फोन की लिस्ट मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप कोई भी फोन परचेज करना चाहते हैं तो मेरे लिंक से परचेज करें, थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जोर से प्रेस करना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।